अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ गुड लाइफ। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी ईद की तैयारी। जैसे कि देखते देखते रमज़ान कितना जल्दी गुजर चुका है, क्या पता अगले साल हमारे नसीब में रमज़ान हो या ना हो। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर आपके साथ मेरी ईद की तैयारी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है, जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितनी धूल हो चुकी है सारे चीज़ों की, तो इन सारी चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ और इनको अच्छे से वॉश वगैरह करके फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेरी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, फेस वॉश क्रीम्स वगैरह सारा कुछ मैश हो चुका है। रमज़ान में जैसे वक्त नहीं मिलता हमें, सारी नमाज़ें इबादतों में ही वक्त चला जाता है, सहरी बनाओ इफ्तारी बनाओ, तो उसी में मैंने स्टार्टिंग में तो क्लीनिंग की थी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत धूल हो चुकी है। घर में थोड़ी बहुत तैयारी जो भी है क्लीनिंग वगैरह पेंडिंग थी, तो वो मैं सारा अभी करने वाली हूँ, क्योंकि ईद के दिन तो घर समझिए चकाचक रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और ख़ूबसूरत लगना चाहिए। ईद है माशाल्लाह से, एक पूरा महीना हम लोग वेट करते हैं ईद का। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे जो वॉशिंग चीज़ें हैं वॉशिंग करने के लिए सारी रख दी हैं, बेसिक चीज़ें एक कार्डबोर्ड में डाल के। तो देखिए अभी सारी चीज़ों को मैं खाली कर रही हूँ और इन बास्केटों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर सारी अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो देखिए अभी मैं वॉशिंग एरिया में भी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो देखिए मेरी तो यहाँ पर ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप लोग क्या कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो डेफ़िनेटली कोरोना वायरस हो या लॉकडाउन हो, तो भी हमें ईद करनी ही करनी है। जैसे कि हम पूरा महीना रोज़े रहते हैं, ईद का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो हमें बहुत सारी खुशियां मनानी है और दुआएं करनी है। तो देखें यहाँ पर स्पैटुला वगैरह सभी मैश हो चुका है। रमज़ान में थोड़ी बहुत चीज़ें हमें फास्ट फास्ट करनी होती हैं, सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो वक्त नहीं मिलता है। तो देखिए सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करके रख लूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, ईद के दिन घर ऑर्गेनाइज लगे और क्लीन एंड फ्रेश लगे। तो चलिए अभी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से कोई भी मेड भी नहीं मिल रही, काम वाले नहीं मिल रही, तो सारी चीज़ें हमें ही करनी है, सारी तैयारियाँ हमें ही करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं फटाफट से पेंडिंग चीज़ों जो भी वर्क है उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने सॉस बॉटल्स रखे हैं, इसके साथ मैं थोड़ा बहुत DIY करने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पर ग्लास का जो हैंगर है वो भी काफ़ी डर्टी हो चुका है। तो चलिए सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। देखिए रमज़ान की तो तैयारियाँ बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, और ये मेरे सारे मग्स हैं, इनको भी मैं अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। देखिए कपड़े भी काफ़ी सारे पड़ गए थे पेंडिंग, तो मैं सारे जो नमाज के दुपट्टे होते हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, वॉशिंग मशीन में डाल कर रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर रख लिया है। अभी इनको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। यहाँ पर मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, सब कुछ न्यू और क्लीन रहना चाहिए। देखिए कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और इन्हें थोड़ा बहुत मैं ड्राई करके निकाल लूँगी, मौसम भी बारिश के जैसा लग रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो वॉशिंग एरिया की होती हैं वो सारी यहाँ पर रख ली हैं, ऑयल वगैरह रख लिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह के कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरे स्पैटुलास हैं वो सारे मैं इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, ताकि मुझे हेल्प हो सके, मैं क्विकली इनको यूज़ कर सकूं। ये देखिए स्टो क्लीनिंग ब्रशेस हैं, यहाँ पर आप स्टेनलेस स्टील स्टो हो, जो भी गंदगी हो, इन सारी ब्रशों की हेल्प से आप वो क्लीन कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे फोक्स वगैरह रख लूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाली नहीं हैं, तो मैं इन्हें बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, अगर कुछ बनाना हो तो भी यूज़ करती हूँ। ये बड़े स्पून से मैं इसके अंदर रख रही हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए छोटे स्पूंस वगैरह हैं, तो जो चीज़ें मुझे काम नहीं आने वाली हैं डेली बेसिस पे, तो मैं इन सारी चीज़ों को इसमें रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इजीली इनके अंदर से निकाल सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। आप भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए, देखिए काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ पर मैं छोटे छोटे जो वाटरमेलन फोक्स होते हैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, इससे जो है ना हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है और हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। ये जो स्पैटुलास है मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, अगर कोई मिठाई वगैरह बनाना हो तो ये यूज़ करती हूँ, तो कोई मेहमान वगैरह आ गए तो ये यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सारे स्पैटुला को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और इसको ये रख लूँगी इसके अंदर में, देखने में भी ऑर्गेनाइज लगेगा और आपका घर जो है बहुत ही
लुक आएगा। और इन सारी चीज़ों को जो नाइफ्स वगैरह हैं सेट को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईद की तैयारियों में करने वाली, घर को साफ करो, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लो, और जो पर्दे कर्टन्स वगैरह होते हैं उन्हें भी अच्छे से निकाल के न्यू पर्दे लगाएं घर में, न्यू मैट्स डालें, तो इससे क्या है ना घर भी हमारा क्लीन लगता है और ऑर्गेनाइज लगता है। तो देखें यहाँ पर जो कप होल्डर है उसके अंदर मैं कप्स लगा रही हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगता है, जब भी कप वगैरह लेने हों तो ईजीली ले सकते हैं और ईजीली हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का कार्डबोर्ड है, इसके अंदर मैं जो भी कम यूज़ करने वाली चीज़ें हैं या फिर मुझे एक्स्ट्रास हैं स्पैटुलास वगैरह इसके अंदर मैं स्टोर करके रख लूँगी। इससे क्या है ना आपका किचन मैश नहीं लगेगा, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही यूज़ होंगी। सो अब इन सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, तो इन सारी चीज़ों को मैं अब इस बास्केट के अंदर रख लूँगी। सो इन बास्केट्स को यूज़ करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, आप भी अपनाइए और अपने घर को अच्छे से चकाचक करके और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने एक बास्केट में कप्स वगैरह रख लिए हैं, इसको मैं जो कप स्टैंड है उसके अंदर रख लूँगी, और मैंने ये जो सारे कप मेजरिंग कप्स हैं इनको भी वॉश करके रख लिया है। यहाँ पर अवन के ऊपर मैंने इस तरह से एक मेश वाला कपड़ा डाल दिया है ताकि अच्छे से और ऑर्गेनाइज लगे। अभी तो फ़िलहाल मैं अवन यूज़ नहीं कर रही हूँ, रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो इसी को मैं बॉक्स में रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बास्केट के अंदर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं, ये कप्स होल्डर भी रखा है और जो चीज़ें स्पैटुलास यूज़ नहीं होती है वो रखा है और टिश्यू पेपर रखा है, और यहाँ पर मैंने अपना सैंडविच मेकर भी रख लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा है। और इसके ऊपर मैं इस तरह से कपड़ा डाल दूँगी ताकि इसके ऊपर धूल वगैरह ना हो और ये देखने में भी अट्रैक्टिव और अच्छा लगे। सो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने मेरी सारी बेसिक चीज़ें हैं फेयरनेस क्रीम वगैरह है वो सारी चीज़ें नाइट क्रीम डे क्रीम सारी इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। देख बास्केट्स में मैंने देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर बिछा कर रखा है ताकि मुझे इजीली हो यूज़ करने में और जो है मैश ना हो और अच्छा से ऑर्गेनाइज लगे। इस तरह से रखने में हमें काफ़ी ईजी हो जाता है, जो चीज़ें हमें यूज़ करनी वो आसानी से मिलती हैं। और देखिए जो भी सनस्क्रीन वगैरह है सारा कुछ मैं इसके अंदर रख रही हूँ, बेसिक चीज़ें मेकअप रिमूवर ऑयल वगैरह पाउडर वगैरह सब रख लूँगी, यूज़ करने में भी आसानी होगी और हमारा काफ़ी सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो भी नेल पेंट्स हैं वो रखे हैं और लिप बाम रखा है और अपना सनस्क्रीन रखा है, बाकी की जो भी चीज़ें होती है छोटी मोटी वो रख लूँगी। मेकअप बॉक्स में तो मेरी सारी मेकअप की चीज़ें होती हैं, अगर मैं जो डेली बेसिस पे यूज़ मेकअप तो हम डेली नहीं करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं काजल वगैरह सारा रख रही हूँ। और एक बास्केट में मैं जो भी पिंस वगैरह रहते हैं जो भी कांटे हैं वो सारे मैं इसके अंदर रख लूँगी ताकि मुझे जब भी लेना हो तो मुझे ढूंढने में वक्त ना वेस्ट हो। तो सारा कुछ मैं इस छोटे से बास्केट के अंदर रख रही हूँ, जो भी बेसिक है नेल कटर है जो भी, देखिए यहाँ पर मैंने नया अपना मोबाइल कवर भी रख लिया है, इसको मैं चेंज करूँगी मेरा पुराना कवर और इसको डाल लूँगी ईद के दिन। तो पेन वगैरह यहाँ पर रख लेने से क्या है ना हमें सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। और नेक्स्ट जो छोटी बास्केट है उसके अंदर मैं कॉम्ब्स मेहंदी वगैरह ईद के लिए मैंने ली थी वो सारी चीज़ें रख लूँगी। तो चलिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, यहाँ पर देखिए ये मैंने DIY किया है, जो अमूल कूल आता है उसके अंदर मैंने पानी भर के प्लांट रख लिया है, जो मनी प्लांट काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको भी कहीं भी रख सकते हैं किचन वगैरह में भी रख सकते। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं और सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है ताकि मुझे ये हेल्पफुल हो और यूज़ करने में भी आसानी हो और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही साथ जो भी कप्स वगैरह थी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया और इन सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। यहाँ पर देखिए उरुज की फ़ोटो है बचपन की, यानी वो जब 1 साल के थे, अब जब हम लोग अजमेर गए थे तो तब की फ़ोटो है, यह 2.5 दिन के झोपड़े के सामने की फ़ोटो है। तो देखिए सारे प्लेट्स वगैरह डिनर प्लेट्स जो भी हैं क्रॉकरीज वगैरह मैंने इस तरह से अरेंज करके रख लिया है, अभी बाकी चीज़ें तो स्टैंड में हैं
तो यहाँ पर नीचे मैंने मिक्सर वगैरह जूसर सारी चीज़ें रख ली हैं ताकि हैंडी हो और जल्दी यूज़ करने में हेल्पफुल हो। और नीचे सारी इन सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है, ग्रॉसरी वगैरह। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची है, जैसे कि फ्रिज और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी। फ्रिज भी बहुत गंदी हो चुकी थी क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है फ्रिज, तो सारी चीज़ों को समर में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इंशाल्लाह ईद के बाद लाजमी मैं आप लोगों के साथ मेरा फ्रिज स्टोर और ऑर्गेनाइजिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, फ्रिज को भी मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लिया है टिश्यू पेपर की हेल्प से। टिश्यू पेपर हेल्प करने से क्या होगा कि हमारे फ्रिज पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो ये क्लीन हो चुकी है, अभी जो बाकी पेंडिंग चीज़ें हैं वो सारी मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर सेट ऑफ बॉक्स, रमज़ान में तो हम लोगों ने टीवी एक्चुअली ओपन ही नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, तो इसको मैंने सस्पेंड कर दिया था एक दो महीने के लिए। सो ये बेसिक सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आई होप कि आप लोगों के घरों में भी ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। अभी रमज़ान के एक या दो रोज़े बचे हैं, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।